हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज ड्वेल पे। बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 का, जिसका हेडिंग है आपका वर्क पावर एंड एनर्जी। सो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये परफेक्ट नॉलेज ड्वेल एक आपकी कंपनी है जिसका वेबसाइट है www.pkd.solutions। आप इस वेबसाइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी इससे होगा क्या कि जब हम आपको ये पढ़ाएंगे, आप अभी 9th में हो, आपका अभी जो स्टडी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो आप सीखोगे वो आने वाला टाइम में बहुत यूज होने जा रहा है। सो बेसिकली आप यहाँ जाके रजिस्टर करवा लें, ताकि जो यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करेंगे, लेक्चर क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे आपका लेक्चर क्लास का वीडियो भी आने वाला है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी होंगे जो आपको वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे आपको सारा जो भी है स्टडी मटेरियल वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सेकेंड थिंग है कि आप हमारी कंपनी से अगर रजिस्टर्ड हो जाते हो, तो आपका वहाँ पे कुछ कंपटीशन होते रहता है, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, अगर जीतते हो, तो आपको कंपनी की तरफ से काफ़ी अच्छा गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। सो ये तो रही बात वेबसाइट की, बट आज हम लोग करने जा रहे हैं आपका क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11, वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में। ऑलरेडी आप वर्क पावर एनर्जी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, मे बी कि पढ़ने के बाद भी कई बच्चों को क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने में। सो दैट्स वाई कि हम लोग यहाँ से इजी मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करके चेक करेंगे कैसे बनेगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं, एक तो कॉन्सेप्ट बेस पे, एक बनते हैं हमारे डेटा बेस पे। डेटा इन द सेंस कि क्वेश्चन में जो भी डेटा है, जो कि ऑलरेडी गिवेन होता है, उसे नोट डाउन करना और फिर थिंक करना कि कौन से फॉर्मूला उस पर अप्लाई होने जा रहे हैं। सेकेंड है कॉन्सेप्ट बेस्ड। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, तो देन आप उसका भी आंसर दे सकते हो विद प्रूफ या एक्सप्लेनेशन। सो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, डेटा और कॉन्सेप्ट दोनों लेके। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। अ सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस, यानी कि एक आपका 20 kg का कोई मास है, वो 20 kg का मास कुछ भी हो सकता है, वो आपका बैग हो सकता है, बैग ऑफ स्टोन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आप बस इतना समझ लो कि 20 kg का कोई मास है, जो कि एक मटेरियल है जो 20 kg का है, वो आपका उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है, सर्टेन फोर्स। अब वो फोर्स क्या है अभी यहाँ पे गिवन नहीं है, वो फोर्स अप्लाई है जो उसके बॉडी के ऊपर वो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, एक्ट कर रहा है उस 20 kg मास के ऊपर। इसके वजह से क्या हो रहा है, उनका जो वेलोसिटी है, चेंजेस इट्स वेलोसिटी, देखना यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेस इट्स वेलोसिटी, यानी कि उसका वेलोसिटी जो है वो आपका चेंज हो रहा है, कहाँ से, 5 m/s से 2 m/s तक। इट मीन्स कि जो वेलोसिटी है आपका कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। जब हमने फोर्स अप्लाई किया इस 20 kg मास के ऊपर, जब कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे उसका जो वेलोसिटी है उस मास का, जो कि जो भी होगा, वो 5 m/s से 2 m/s पे चेंज हो रहा है। तो इन दिस केस अगर वो चेंज हो रहा है, आप भी जानते हो कि वर्क क्या होता है। वर्क होता है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, और जब वो कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम लोग वर्क कहते हैं। इट मीन्स हमें यहाँ से वर्क निकालना है। तो पहले तो हम लोग डेटा लिखेंगे जो गिवेन होगा। तो यहाँ पर हमें गिवेन क्या क्या है, पहला है मास गिवेन है हमारा, तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। अब मास ऑफ बॉडी कितना गिवेन है बच्चों, तो ये एम एम इक्वल टू भी मैं लिख सकता था शॉर्ट में, तो मास ऑफ बॉडी इक्वल टू 20 kg गिवेन है। सेकेंड हमारा दिया हुआ है आपका स्पीड, मतलब वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है वो चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 m/s से वो 2 m, यानी कि ये लास्ट जो है ऑब्जेक्ट का या मास जो है बॉडी का, जो मास है वो जो ट्रैवल कर रहा है वेलोसिटी से, वो चेंज जो हो रहा है लास्ट में वो 2 m/s पे हो रहा है, यानी कि उसका जो फाइनल जो वेलोसिटी है वो है 2 m/s, क्योंकि हम लोग जानते हैं फाइनल मीन्स जहाँ पे स्टॉप कर जाए बॉडी, तो वो 2 m/s पे है, और जो इनिशियल है यानी स्टार्टिंग में जो उसका स्पीड था वो था 5 m/s। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल
वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं यू से, और ये हमारा है 5 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी भी गिवेन है, फाइनल वेलोसिटी भी हमारा गिवेन है, और फाइनल वेलोसिटी जो गिवेन है वो है वी से डिनोट करते हैं, और वी इक्वल टू होता है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड। सो बेसिकली ये हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ डेटा लिखा जो कि क्वेश्चन में गिवेन है, मैंने नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में गिवेन है, वो डेटा हमने लिख दिया। अब मुझे यहाँ से वर्क डन निकालना है। तो बच्चों आपने यहाँ पे वर्क का आपने पढ़ा होगा, वर्क डन द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क का आपने रिलेशन जरूर डिराइव किया होगा। अगर नहीं किया है तो हमारे लेक्चर क्लास में वो आएंगे, आप उसे जरूर से देख लेना। तो वर्क डन इक्वल टू, जब चेंज हो रहे हैं वेलोसिटी, जब चेंज होता है तो वहाँ पे होता है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी बॉडी जब मोशन करेगा तभी वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या वर्क करेगा, इट मीन्स कि मोशन होना चाहिए। काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन, तो जब बॉडी मोशन कर रहा है इट मीन्स कि वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी ही लग रहा है इसीलिए ये बॉडी जो है मोशन में है, मोशन में है इसलिए उसमें वेलोसिटी है और वो आपका कर रहा है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वर्क डन हुआ वो किसके इक्वल हुआ, तो वो हुआ आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि आपका वर्क डन जो हुआ यहाँ पे वो आपका काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, हाफ, मैं यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ एक बार, काइनेटिक एनर्जी का होता है फॉर्मूला हाफ mv². सो बेसिकली अब हमें क्या करना है, यह चेंज हो रहा है तो इट मीन्स कि जो पहला जो काइनेटिक होगा वो आपका इनिशियल से स्टार्ट होगा, तो हाफ mu², यानी कि आप देख सकते हो कि जो उसका इनिशियल जो वेलोसिटी था वहाँ से मैंने लिया हाफ mu² माइनस हाफ mv², ये हमने यहाँ पे गिवन किया। अब बच्चों जब ये ऐसा कैलकुलेशन आता है तो ऑब्वियस सी बात है हम जानते हैं कि यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें हाफ एम कॉमन दिख रहा है, तो वो मैंने कॉमन यहाँ पे ले लिया हाफ एम को, और यहाँ पे ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचा, u² माइनस v². अब बच्चों क्या करना है, u u का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, और v का भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हाफ, और मास का भी वैल्यू गिवन है जो कि हमने यहाँ पे 20 लिखा है तो वो भी हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 ब्रैकेट में u का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। सो बेसिकली हमारा आंसर हो जाएगा आपका हाफ इंटू 20, और ये ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं 5 का स्क्वायर यानी कि 25 -4। सो इन दिस केस आप देख सकते हो ये कट होंगे और ये हो जाएंगे 10, और यहाँ पे माइनस होने के बाद ये आ जाएगा हमारा 21। सो बेसिकली हमारा आंसर होगा 210 जूल, जो कि हमारा वर्क डन है आपका, यानी कि वर्क डन जो हुआ, यानी कि वर्क जो हुआ वो हमें फाइंड आउट करना था, क्योंकि इसमें यहाँ बोला गया कि कैलकुलेट करना हमें वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा, उस फोर्स के थ्रू वर्क कितना हुआ वो हमें निकालना था। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ये हमने यहाँ पे लिखा और हमारा वर्क डन का ये आंसर आ गया। सो बच्चों यहाँ पे है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे आप क्वेश्चन को और इजी समझ सकते हो, बट आप डेटा के हिसाब से भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट मेरा तो ये मानना है कि आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए। तो आपको वो थ्योरी वाली क्लासेस, आपको जो भी है लेक्चर क्लासेस वो भी प्रोवाइड होते रहेंगे, आप हमारे साथ जरूर जुड़े, और हमसे जुड़ने के बाद आप कंटिन्यूसली आपको मिलेगा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर प्लस है कि क्लासेस रेगुलर मिल रहे हैं। तो ठीक है बच्चों आप आगे का ट्राई करना, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो आपके कॉन्सेप्ट बेस पे हैं, उसमें कोई मेथड नहीं लग रहा है, कोई आप डेटा यूज़ नहीं कर सकते हो, बस वहाँ पे है कि आपने जितना पढ़ा है कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वो क्वेश्चन बना सकते हो, और अगर नहीं उसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू बच्चों, बाय।